बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो सूदखोरी का मामला एक बार फिर से आगरा में सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर युवक को किया गया है लहूलुहान। बड़ी खबर इस वक्त की, आगरा से गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है युवक, और सूदखोरी के मामले को लेकर के ये लहूलुहान हुआ है। युवक न्यू आगरा क्षेत्र के कमला नगर का ये मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से आपको बता रहे हैं, और तस्वीरें आप देखिए किस प्रकार से सूदखोरी के मामले को लेकर के लहूलुहान किया गया है युवक को। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमसे जुड़े हैं। अजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सूदखोरी का मामला एक बार फिर से सामने आया है, तस्वीरें युवक की सामने आ रही है, क्या कुछ इस पर कार्रवाई हो पाई है? देखिए, थाना न्यू आगरा इलाके में इसका ये मामला है जहां अमित नामक युवक घायल हुआ है, और घायल का आरोप है कि दो लोगों ने इसके सर पर बोतल मारी है, और जिसमें कि पैसे के लेन देन का मामला बताया जा रहा है कि ब्याज पर पैसे दिए गए थे, उसका मामला सामने आया है। अभी फिलहाल घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है, और पुलिस जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करने की प्रयास कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजेंद्र जानकारियों को देने के लिए। तो न्यू आगरा क्षेत्र के कमला नगर का मामला हम बता रहे, तस्वीरें आपके सामने है। सूदखोरी का मामला एक बार फिर से आगरा से सामने आया, जिस पर युवक को सूदखोरी के मामले के चलते लहूलुहान किया गया, और अस्पताल में युवक जो है वो गंभीर हालत में थी। नाम क्या था जिन्होंने मारा है? गिरिराज यादव। राहुल यादव। किस लिए मारा? मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, मेरे पे तबादला करने के लिए आए पैसों का। अच्छा, मैंने भी सेवा बात करना, इतने में मेरी घर पर बोतल लगती थी दारू की, वो मार दी। तो क्या ब्याज पे पैसे दिए थे क्या? जी सर। कितने परसेंट ब्याज का? 10% की। 10% ब्याज का काम करते हो जी? लाइसेंस है उनके पास? नहीं।